अगर आपको घर पे प्री वर्कआउट करने के लिए बोल रहे हैं, कल को बोलेंगे यार घर पे झाड़ू पोछा करना है, प्री वर्कआउट कर लो, घर की सफाई करनी है प्री वर्कआउट ले लीजिए, घर की शिफ्टिंग करनी है प्री वर्कआउट ले लीजिए, तो ऐसे फुद्दू से कामों के लिए भी अगर हमें प्री वर्कआउट की जरूरत है ना, तो बहुत सोचने वाली बात है, तो वो बेवकूफ है या फिर आपको बेवकूफ बना रहा है, दोनों। हेलो यूट्यूब दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करते हैं एक फिटनेस यूट्यूबर के बारे में जो यूट्यूब के ऊपर वीडियो अपलोड करते हैं कि कैसे आप अपनी बॉडी बनाएं, कैसे वर्कआउट करें, क्या खाएं, क्या पिए, एंड ऑल, ठीक है ना। पिछले दिनों उस बंदे ने, नाम नहीं लूंगा मैं, ठीक है, आपको पता ही है किसकी बात कर रहा हूँ। तो पिछले दिनों उस बंदे ने एक वीडियो अपलोड की जिसमें उन्होंने घर पे एब्स का वर्कआउट, ठीक है, एब्स का वर्कआउट कैसे करें घर में, उसके बारे में बताया। तो देखिए, आजकल लॉकडाउन के टाइम में जिम वगैरह तो बंद है, ठीक है ना, तो ज्यादातर जितने भी फिटनेस यूट्यूबर्स हैं वो इसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहे हैं कि घर पे वर्कआउट कैसे करें, ठीक है ना, क्योंकि लोग देखना भी चाहते हैं कि यार जिम नहीं जा सकते, घर पे हम कैसे अपना वर्कआउट करें, है ना, कैसे अपनी बॉडी को मेंटेन करें। तो कोई बंदा बता रहा है कि बाइसेप का वर्कआउट कैसे करें, शोल्डर का कैसे करें और चेस्ट का कैसे करें, है ना, कोई ईंटें उठा रहा है, कोई पत्थर उठा रहा है, कोई सिलेंडर उठा रहा है, मतलब जो आपके पास इक्विपमेंट अवेलेबल है बस उसके साथ आप कैसे वर्कआउट करें। तो वैसे ही उस बंदे ने वीडियो बनाई कि घर पे वर्कआउट कैसे करें एब्स का, राइट, बिल्कुल सही लगी, ठीक है, एब्स का वर्कआउट बता रहे हैं, सही है, यहां तक बात समझ लगती है घर पे एब्स का वर्कआउट कैसे करें। बट अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो उस वीडियो में उन्होंने ये आपको एडवाइस दी है कि आप घर पे, इस चीज को ध्यान से सुनिए, घर पे एब्स का वर्कआउट करने से पहले प्री वर्कआउट ले लीजिए। अब यहां पे मुझे थोड़ा सा लगा कि यार अब ये चीज गलत हो रही है, ठीक है ना, सिर्फ थोड़े से पैसों के लिए अगर आप गलत एडवाइस दोगे ना बंदों को, तो वो, मैंने पहले भी बताया था कि यार गलत एडवाइस अगर होगी, ठीक है ना, मेरी वीडियोस कोई देखे ना देखे मुझे कोई फर्क नहीं है, मैंने अपनी जिम्मेवारी पूरी कर दी वीडियो बना के, ठीक है ना, कोई बंदा देखे ना देखे वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, राइट। बट अगर आपकी वीडियोस पे व्यूज आ रहे हैं और आप उन लोगों को जो व्यूज, जो दे व्यूअर्स आपके देख रहे हैं, उनको गलत चीज बता रहे हैं ना, तो भाई आप या तो आप जान के बता रहे हैं उनको कि उनका नुकसान हो, तो या फिर आपको मालूम ही नहीं है कि क्या बताना है क्या नहीं बताना, दोनों में से कोई एक बात ही होगी, ठीक है। तो घर पे प्री वर्कआउट, वर्कआउट करने से पहले प्री वर्कआउट आपको कभी नहीं लेना, इस चीज को बस याद कर दो आप, ठीक है ना, और वीडियो अगर यहां पे बंद करने, यहां पे कर दो, क्योंकि मतलब वीडियो का यही था आपको बताना कि घर पे वर्कआउट करने से पहले किसी को भी प्री वर्कआउट की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अगर आपको घर पे वर्कआउट करने से पहले प्री वर्कआउट चाहिए ना, तो ये बहुत ही ज्यादा सोचने वाली बात है कि आपकी बॉडी के साथ कोई प्रॉब्लम है, राइट। कितना इंटेंस वर्कआउट कर रहे हैं आप घर पे, कितना इंटेंस कर लेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेंगे, आपने खुद भी आपको फील हुआ होगा जो आप जिम में जाके वर्कआउट कर रहे हैं उसके मुकाबले आपने क्या किया घर पे वर्कआउट, वर्कआउट घर पे जो भी किया आपने वो इतना इंटेंस था कि आपको प्री वर्कआउट की जरूरत है, कई बार तो बंदा थकता भी नहीं है घर पे वर्कआउट करते करते, राइट। तो बेवकूफों वाली बातें हैं ये कि अगर आपको घर पे वर्कआउट करना है तो प्री वर्कआउट ले लीजिए, ये सिर्फ थोड़े से पैसों के लिए। अब पैसों के लिए कैसे, आप देखेंगे उस वेबसाइट, उस वीडियो में एक वेबसाइट की प्रमोशन की हुई है कि प्री वर्कआउट अगर आपको लेना है सप्लीमेंट तो आप यहां से ले लीजिए, इस वेबसाइट से ले लीजिए, ओरिजिनल मिलेगा आपको, ठीक है ना, जेन्युइन सप्लीमेंट मिलेगा। बस प्री वर्कआउट की घर में वर्कआउट करने से पहले जरूरत नहीं थी, बट उन्होंने क्यों बताया कि ये जो वेबसाइट है उसकी प्रमोशन भी तो करनी है, वेबसाइट ने पैसे दे दिए, इन्होंने प्रमोशन कर दी, किसी भी वीडियो में उठा के डाल दिया कि यार वर्कआउट करने से पहले आप प्री वर्कआउट ले लीजिए। अब घर पे वर्कआउट करने से पहले प्री वर्कआउट ले लीजिए, ये बात हजम नहीं होती, ठीक है ना। देखिए, आपकी वीडियोस पे जो व्यूज आ रहे हैं, ठीक है ना, उनमें बच्चे भी हैं, कुछ नए बंदे भी हैं जो अभी अभी एक्सरसाइज शुरू करेंगे, ठीक है ना, और कुछ पुराने बंदे भी हैं जो देख के बोलेंगे यार क्या बेवकूफ वाली बात कर रहा है, राइट। तो जो तो पुराने बंदे हैं वो तो आपको ऐसे फॉलो नहीं करेंगे ब्लाइंडली, ठीक है ना, अगर आपकी कोई बात उनको लगे कि यार ये करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, वो जाएंगे नेट के ऊपर सर्च करेंगे कि प्री वर्कआउट की आपको जरूरत कब है, कब आपको प्री वर्कआउट लेना है, ठीक है ना, तो उस चीज को समझने के बाद फिर प्री वर्कआउट वो लेंगे अगर उनको लगेगा कि लेना है। बट जो बच्चे और जो नए बंदे हैं वो क्या देखेंगे कि यार इस बंदे के फॉलोअर्स भी अच्छे हैं, व्यूज भी अच्छे हैं,
वीडियोस भी आ रही हैं डेली, तो ये बंदा सही बता रहा होगा बातें, तो इसको फॉलो कर लेते हैं। बट नहीं, अगर आप 100 में से 90 बातें भी सही बता रहे हैं ना, ठीक है, बट 100 में से जो 10 बातें गलत होगी उनका जितना नुकसान होना ना, वो 90 सही बातों का उतना बेनिफिट नहीं होना आपको, ठीक है। तो सोचिए, कोई भी चीज किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो करने से पहले जाइए नेट के ऊपर सर्च कीजिए, मैं नहीं चाहता मेरी बातें माने आप, मैं नहीं चाहता उस यूट्यूबर की बात माने, मैं नहीं चाहता उस यूट्यूबर की बात माने, किसी भी बंदे की बात ना सुने, आपका कोच आपको बता रहा है, ठीक है, तब भी आप जो है नेट पे जाएं, सर्च करिए, नेट के ऊपर सब कुछ है, क्या नहीं अवेलेबल, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन आपको आपके सामने आ रही है गूगल के ऊपर, जब आप एक वर्ड डाल के भी सर्च करेंगे, ठीक है ना। तो घर पे प्री वर्कआउट की आपको कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई बंदा आपको बता रहा है, ठीक है, तो या तो वो बेवकूफ है या फिर आपको बेवकूफ बना रहा है, दोनों में से कोई बात तो होगी, ठीक है ना। तो मैंने पहले बताया था कि अगर कोई बंदा गलत गाइड कर रहा है, ठीक है ना, चाहे वो जान के कर रहा है, ठीक है, जानबूझ के कर रहा है, या फिर उसको पता नहीं है इसलिए बाय चांस गलत गाइडेंस जा रही है लोगों में, ठीक है ना, तो मेरी वीडियो ऐसी आएगी आएगी, राइट। तो ये कोई हेट वीडियो नहीं है, ठीक है ना, ये सिर्फ आपको बताने के लिए है कि आप वर्कआउट फॉलो करें, बिल्कुल सही है, बट डाइट के मामले में जो चीज आपके अंदर जानी है उसके मामले में रिस्क मत लें, ठीक है। प्री वर्कआउट में कैफीन होती है, मैंने पहले भी बहुत वीडियोस बनाई हैं इसके बारे में, कैफीन, आपकी बॉडी कैफीन के यूज से हो जाएगी। अगर आप एक स्कूप प्री वर्कआउट लेते हैं 3 हफ्ते बाद, वो आपका एक स्कूप आपको उतना इफेक्ट नहीं करेगा आपकी बॉडी में, उतना आपको डिफरेंस नहीं फील होगा, ठीक है ना, एक स्कूप का, क्योंकि आप रेगुलरली ले रहे हैं, आपकी बॉडी यूज टू हो रही है, ठीक है, तो वो बहुत ही अलग सीन हो जाएगा 3 हफ्ते 4 हफ्ते 5 हफ्ते बाद। अगर आप देखेंगे, अगर आपको घर पे प्री वर्कआउट करने के लिए बोल रहे हैं, कल को बोलेंगे यार घर पे झाड़ू पोछा करना है, प्री वर्कआउट कर लो, घर की सफाई करनी है प्री वर्कआउट ले लीजिए, घर की शिफ्टिंग करनी है प्री वर्कआउट ले लीजिए, तो ऐसे फुद्दू से कामों के लिए भी अगर हमें प्री वर्कआउट की जरूरत है ना, तो बहुत सोचने वाली बात है, आपकी बॉडी को भी प्रॉब्लम होगी, इसलिए आपकी बॉडी जो है प्री वर्कआउट मांग रही है, या फिर इसलिए आपको प्री वर्कआउट लेने के बाद ही काम करना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे कोई भी चीज को फॉलो करने से पहले नेट पे जाइए, सर्च कीजिए, ठीक है ना। और ये वीडियो अगर आपको एक पैसा भी गलत लगी हो ना, तो नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं ये वीडियो डिलीट कर दूंगा। अगर सही लगी है तो इसको शेयर कर दीजिएगा, ताकि किसी को गलत गाइडेंस ना मिले, ठीक है ना। देखिए, चलो वीडियो ज्यादा लंबी क्या करनी है अभी, है ना, वैसे 7 मिनट की होगी, तो गलत गाइडेंस ना मिले, ठीक है, शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, और कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं आप, अगर आपको लगे तो, जितनी मुझे नॉलेज है उतनी आपको भी मैं बताने की कोशिश करूंगा बातें। मैं मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना।